हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या फिर ग्रामीण, आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके साथ साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है और आपको फॉर्म कैसे जमा करना है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या फिर ग्रामीण के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसके तहत आप अपना जो है आवेदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से जान लेते हैं हम पूरी डिटेल के साथ में। प्रधानमंत्री आवास योजना के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है भारत का एक निवासी होना चाहिए। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 1,20,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक का जो है सब्सिडी यानी कि लाभ प्रवान जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। ये आवास निर्माण के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, ये जो PM आवास योजना है, इसके अंतर्गत आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को 1,20,000 और शहरी क्षेत्र में 2,50,000 या इससे अधिक की राशि दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए अगर आप पात्र हैं और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो PM आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए पात्र होने के लिए आपको आवेदकों को नीचे बताए गए जो मापदंड हैं उनके हिसाब से आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो आवेदक की उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से नीचे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद PM आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास पहले से ही स्थायी निवास होना चाहिए, यानी कि चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हों और चाहे आप किसी भी अन्य स्टेट के निवासी हों, आपके पास पहले से ही स्थायी निवास होना चाहिए। योग्य आवेदकों के पास गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्ड या फिर मनरेगा कार्ड या फिर राशन कार्ड होना आवश्यक है और उन्हें इसी सरकारी सहायता के लिए योग्य बनाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसके ज़रूरी दस्तावेज। अगर आप 2024 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा है पैन कार्ड, जिससे आप अपना जो है धनराशि है बैंक खाते से ट्रांसफ़र कर सकें। 50,000 से ऊपर के लेन देन के लिए आपको पैन कार्ड अनिवार्य किया जाता है। इसके बाद आपका आता है वोटर कार्ड और राशन कार्ड। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिवेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। PM ऑनलाइन आवास योजना के लिए ऑनलाइन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट है pmmis.gov.in। इसके माध्यम से अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप यहां से अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे हम यहां पर साइड में क्लिक करते हैं और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है MIS लॉगिन, तो यहां पर हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एक दोस्तों जो ब्लॉक स्तर होता है उसके माध्यम से हमें प्रोवाइड कराया जाता है। बट अब गाँव के लोगों के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, इसमें आपको ब्लॉक स्तर से कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बनाया जाता है। जब भी वेबसाइट ओपन होती है तो ये ब्लॉक स्तर के जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पर जो अधिकारी हैं वही आपका ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने ब्लॉक स्तर पर जाना होगा और ब्लॉक स्तर में जो भी अधिकारी हैं PM आवास योजना से रिलेटेड, उनसे आपको जानकारी लेना है कि इसकी वेबसाइट कब तक ओपन होगी और ओपन हो गई है तो आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर जमा करने होंगे। अगर आप अपने ब्लॉक स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको अपने ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनसे संपर्क करना है और उनके लिए अपने सारे दस्तावेज देना है कि हम इस योजना के लिए पात्र हैं और हमारा जो ऑनलाइन आवेदन है वो कराया जाए। अगर दोस्तों आपके ग्राम पंचायत के जो मुखिया यानी कि प्रधान हैं वे भी आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आपको अपने ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं उनको आपको देना है, यानी कि उनसे आपको संपर्क करना है और उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना है, जिससे वो आपका ऑनलाइन आवेदन ब्लॉक स्तर से आपकी तहसील स्तर से करा सकें और आपको इस योजना से जोड़ सकें। अगर दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है तो आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन मिल जाती है, उसमें आप अपना नाम सर्च कर पाएंगे और वहाँ से आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई होने के बाद जो है पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको इसमें
मैंने पूरी डिटेल बता दी है। आपको क्या करना है, आपको अपने ग्राम जो सचिव होते हैं उनसे आपको संपर्क करना है, जिसे बोलते हैं VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और दूसरे होते हैं ग्राम प्रधान, इनसे आपको संपर्क करना है जिससे आपका आवेदन हो सके और आपको इसका जो लाभ है मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।